आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान अपने वीकेंड में या महीने में छुट्टी लेके ऐसे स्थान पे जाना चाहता है जहाँ पे उसको मन की शांति मिले और कुछ प्रकृति के ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिससे उनके जो पूरे महीने की थकान होती है वो मिट जाए। ऐसे ही यात्रा पे हम आए हैं, माँ सुरकंडा देवी की यात्रा पे हम आए हैं और अभी जिस रिसॉर्ट में रुके हैं, जिप्सी सॉल रिसॉर्ट में अभी हम रुके हैं। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे रिसॉर्ट और हट बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ रिसॉर्ट और हट ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे काफ़ी अच्छे रूप से दिखाई देते हैं और आप यदि वीकेंड में अपने काम और जो स्ट्रेस होता है आज के जीवन में उसको मिटाने के लिए आते हैं तो ऐसी जगह सबसे उचित और अच्छी होती हैं जो कि आपके मन और पूरे साल भर के स्ट्रेस या महीने के स्ट्रेस को मिटा देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। सर मेरा नाम प्रदीप रोथान है। अभी ये फर्स्ट सीजन हमने मई जून तक अभी स्टार्ट किया था, इसके बाद अब नेक्स्ट सीजन के लिए अब अभी चालू वो कर रहे हैं। लोकेशन सर ये है धनोल्टी से 7 किलोमीटर चंबा की तरफ के लिए जी, मतलब जस्ट हो गया आपका सुरकंडा देवी मंदिर के टेम्पल के उस पे नीचे में है सर। अच्छा, देहरादून से सर यहाँ पे वही 75 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है मसूर वाले रोड से। अगर आप यहाँ नीचे ये सर अगर आप यहाँ पे मसूरी के रास्ते आओगे तो लगभग 75 किलोमीटर के समथिंग है ये, और बाकी आप ये मालदेवता से भी ये रोड जुड़ा हुआ है। अगर आप उस रास्ते आते हो तो वहाँ पर से भी ऐसी कुछ 70 किलोमीटर के लगभग इतना। हमारे पास अभी रेडी में तो 3 कॉटेज हैं जी और 2 टेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका टैरिफ क्या होता है? टैरिफ सर हमारा जैसे ऑनलाइन चलता ही है तो ऑनलाइन के हिसाब से हम ये मतलब 4-4.5 हज़ार का एक पैकेज है एक कॉटेज का जी। इनके लिए जाना पड़ रहा तो यहाँ पे थोड़ा आगे 8-10 किलोमीटर पे एक कर्णताल पड़ता है, आप वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो या मतलब जो भी वो होता है क्या ना जी। फिर आपको अगर घूमने के व्यू से जाना है तो फिर 35 किलोमीटर आगे यहाँ पे से टिहरी पड़ता है, आप झील का आनंद उठा सकते हो, वहाँ पे बोटिंग लो कुछ भी लो, मतलब ये है क्या। फिर यहाँ से पीछे 7 किलोमीटर मैंने बताया आपको कि धनोल्टी पड़ता है तो वहाँ पे आपका एक वो पड़ता है इको पार्क, थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब घूमने का वो है वहाँ पे। नमस्कार, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। मैं कुलदीप सिंह रोथाण हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्वीरों में पहाड़ इस समय हम उसमें ये हमारी बाइक चल रही है, बहुत ही उम्दा लोकेशन है और एक सरप्राइज लोकेशन है हमारे लिए। तो कल एक अचानक सा प्लान था, जैसे जो प्रदीप भाई हैं जो इस पूरे गेस्ट इस पूरे कॉटेज को चला रहे हैं, इस रिजॉर्ट को चला रहे हैं, उनके जरा जैसे बताया गया है कि किस तरह से ये कॉटेज है, तो हम अचानक से एक प्लान था हमारा कि सुरकंडा देवी हम यात्रा पर थे और हमारा ये था कि हमको स्टे करना है सुरकंडा देवी के नज़दीक। 3 रिजॉर्ट इस समय पूरे इस पूरे क्षेत्र में वो चला रहे हैं। ये द जिप्सी सोल रिजॉर्ट है और बेहतरीन लोकेशन पे है, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन कि मैं मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने गांव से, क्योंकि हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, रोज़ सुबह उठते ही पहाड़ देखते हैं, शाम को ढलते ही पहाड़ देखते हैं, तो हमारे लिए तो बेहतरीन अनुभव था। अग्रवाल जी हैं जो दूर से एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ आप लोग मेडिटेशन या योगा इस तरह की क्रियाएं करना चाहते हैं, तो द जिप्सी सोल रिजॉर्ट आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है।